नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में कमोडिटी मार्केट में काफी ज्यादा मोमेंटम आते हुए दिखा। खास करके अगर पिछले दो दिन की बात करें तो हमने काफी बड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा। पिछले एक हफ्ते के अंदर एमसीएक्स बुलडेक्स में 3% की गिरावट आती हुई दिखाई दी, मेटल इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आती हुई दिखाई दी, वहीं एनर्जी इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 5.5% की गिरावट हमने एनर्जी इंडेक्स में बनते हुए देखी। वहीं इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी हमने, 2.5% की गिरावट हमने गोल्ड में, और वहीं चांदी के अंदर भी हमने 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। एक हफ्ते पहले हमने देखा कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न था, यूएस में इन्फ्लेशन 30 साल के हाई पे पहुंचा, जो मुख्य कारण था जिसकी वजह से सोने में हमने जबरदस्त तेजी देखी और प्राइजेस के अंदर एक इंटरनेशनल में 1870 का भी लेवल हमने बनते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 49,000 का लेवल दिसंबर वाइदर टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं यूएस के अंदर जल्द बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम स्टॉप हो सकता है, साथ में कहीं ना कहीं कंसर्न ये भी बना हुआ है कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, जिसके चलते सोने में एकाएक काफी बड़ी गिरावट आई और प्राइजेस 48,800 से गिरकर 47,250 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। वहीं चांदी में भी हमने 66,000 से ऑलमोस्ट 62,000 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा। इन ऑल सोने और चांदी में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करेगी, बट दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो बन रहा है जो प्राइस को दबा। तो अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। खास करके अगर सोने की बात करें तो हमें लगता है 47,000 के नीचे 46,800 तक के लेवल मिलने पे सोने को बाय कीजिए, 48,500 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस 61,000 से लेकर 60,500 की ड्रॉप पे लेके चलिए, जो 63,800 से 64,000 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड में जबरदस्त गिरावट 8.5% की पूरे हफ्ते भर में आती हुई देखी। कल के सेशन में हमने 12% की गिरावट देखी। वहीं नेचुरल गैस में हमने 8% की तेजी आती हुई देखी। क्रूड के अंदर हमने देखा कि ओपेक मेंबर्स और साथ में जो कंज्यूमिंग नेशंस है उन्होंने स्ट्रेटेजी रिजर्व बढ़ाने की बातें की है, जिसके चलते क्रूड में हमने एक जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। ये गिरावट फर्दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के कंसर्न की वजह से डिमांड में ड्रॉप है, दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। तो ओवरऑल 8.5% की गिरावट के बाद टेक्निकली तो मार्केट ओवरसोल्ड है, क्योंकि 51,30 तक के लेवल देखने मिल चुके हैं, बट अभी भी सेलिंग प्रेशर के चलते 4,900 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर 400 के ऊपर की क्लोजिंग काफी साउंड क्लोजिंग है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है विंटर डिमांड और सप्लाई कंसर्न के चलते प्राइजेस में तेजी रहेगी, जो 430 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर काफी मिला जुला ट्रेड रहा, जहां पे कॉपर में हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखी, बट फिर भी 1% की गिरावट के साथ कॉपर पूरे वीक में बंद हुआ। वहीं जिंक निकल में सप्लाई कंसर्न्स और डिमांड में इंप्रूवमेंट के चलते जिंक में करीबन 1% की तेजी और निकल में 2.25% की तेजी बनते हुए देखी। वहीं लैड और एल्यूमिनियम में 1.5% से 2.5% की गिरावट हमने देखी है। पूरे बेस मेटल में आपको तीन चीज ध्यान रखनी है। चाइना से आउटपुट कट कंटिन्यू है, जिस ढंग से विंटर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि वेदर कंडीशंस या एनवायरमेंट कंसर्न्स के चलते आउटपुट में कटौती बताई गई है। साथ में ओलंपिक्स होने हैं बीजिंग के अंदर फरवरी में, उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि आउटपुट में कटौती है। सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट भी अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, बट कल दो दिन की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लेवल्स पे मार्केट पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर अगले हफ्ते के लिए 720-725 की रेंज में लेके चलिए, 740 के टारगेट के लिए। जिंक ज्यादा तेज लग रहा है, जहां पे हम जिंक के अंदर 265 तक के लेवल पे हम लेके चल सकते हैं, 275 के टारगेट के लिए। निकल आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1550 की रेंज में लेके चलिए, 1580 का लेवल तोड़ने पे हम 1620 का लेवल फिर से देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम में भी तेजी का रुख कायम रहेगा जब तक प्राइसेस 200 के ऊपर मेंटेन है, 205-206 के करीब लेके चलिए, 212 से 216 के टारगेट के लिए। वहीं लेड के अंदर भी 180 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 184 तक का लेवल दिखा रहे। तो इन ऑल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। सोने चांदी में वॉलिटिलिटी रहेगी, क्रूड में गिरावट और नेचुरल गैस में तेजी का रुख रहेगा। धन्यवाद।